दोस्तों सलार का रिलीज ट्रेलर जो वो आ चुका है। अब इसे रिलीज ट्रेलर क्यों कहते हैं और इसे रिलीज करने के पीछे की क्या मंशा है फिल्म के मेकर्स की, और ये वो ट्रेलर है जहां से पब्लिक को फिल्म की कहानी के बारे में थोड़ा सोचना पड़ रहा है। अब देखिए फिल्म के मेकर्स ने जो वो सेकेंड ट्रेलर रिलीज करके थोड़ा सा रिस्क तो लिया है, क्योंकि एक ही ट्रेलर में सब कुछ दिखाया है और अगर दूसरा ट्रेलर दिखाएंगे तो यहाँ पे कहानी जो है ज्यादा रिवील होने के चांसेस है। लेकिन बहुत ही सोच समझकर इस ट्रेलर को जो वो रिलीज किया है और उसको एडिट किया है, जहाँ पे कहानी के साथ उन्होंने एक बहुत ही बड़ा बॉम्ब फोड़ा है। अब वो क्या है हम वो वीडियो में आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे कि रिलीज ट्रेलर क्या है। दोस्तों इससे पहले यानी कि 2017 में जब भी कोई फिल्म रिलीज होती थी तो उससे एक महीना पहले या फिर फिल्म के रिलीज से 20 दिन पहले फिल्म का ट्रेलर जो वो रिलीज किया जाता था। लेकिन अभी के टाइम में कॉम्पिटिशन इतना बढ़ गया है कि फिल्म के मेकर्स को अपने फिल्म को लाइमलाइट में रखने के लिए हर वो पॉसिबल कोशिश करनी पड़ती है, क्योंकि पब्लिक के लिए अभी देखने के लिए बहुत ज्यादा कॉन्टेंट है। तो अपनी फिल्म में क्या नया है और अपनी फिल्म को हाइप में रखने के लिए यहाँ पे ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चलती है। अब जैसे कि सालार का एक ट्रेलर तो आ चुका था, दूसरे ट्रेलर की जरूरत नहीं थी, किसी ने मांगा नहीं था, पब्लिक ऑलरेडी जो वो सालार को उतना पसंद कर रही है। लेकिन यहाँ पे चांसेस ज्यादा है कि अगर सेकेंड ट्रेलर रिलीज करेंगे तो यहाँ पे फिल्म की कहानी को ज्यादा और रिवील करना पड़ेगा। लेकिन होम वाले फिल्म प्रोडक्शन को मानना चाहिए, सालार के फिल्म मेकर्स को मानना चाहिए कि उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस ट्रेलर को एडिट किया है। जैसा कि हमें पता है कि सालार जो वो एक दो दोस्तों की कहानी है। फिल्म के ट्रेलर में हमें दिखाया गया था कि दो दोस्त जो एक दूसरे के लिए जान है, जहां पे एक उसे बुलाएगा तो वो सब कुछ छोड़कर आएगा। और अब यहाँ पे सेकंड ट्रेलर में ये दिखाया कि ये दोस्त एक दूसरे के लिए कितना कुछ कर सकते, मतलब कि एक दूसरे के लिए वो पूरी की पूरी आर्मी से लड़ सकते। लेकिन यहाँ पे फिल्म के ट्रेलर के आखिरी सीन में एक डायलॉग बोला गया कि ये दो दोस्त एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन जाते हैं। तो मतलब फिल्म का पहला ट्रेलर और दूसरे ट्रेलर में ये एक दूसरे के जानी दोस्त बताए गए, अब वही आखिरी सीन में ये दोनों दोस्त एक दूसरे के कट्टर दुश्मन भी बताए गए। तो अब यहाँ पे एक चीज निकल कर आती है कि जो सालार वन सीज फायर जो है, यहाँ पे ये दोनों दोस्तों की कहानी दिखाई जाएगी और फिल्म के एंडिंग में आते आते ये दो दोस्त कैसे एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन जाते वो दिखाएंगे। यानी कि सीज फायर 2 यानी कि सालार 2 जो होगी वो इन दोनों की दुश्मनी की कहानी होगी। अब फिलहाल तो इस ट्रेलर से मुझे यही लग रहा है, आपका इस बारे में क्या कहना है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो देखा मतलब ये होता है कि भाई अगर सेकंड ट्रेलर रिलीज करेंगे तो थोड़ा बहुत तो कहानी रिवील हो जाती है, तो पब्लिक अपने तरीके से दिमाग लगाकर स्टोरी सोचने लगती है। बट कोई नहीं, ये भी एक अपने लिए सस्पेंस था कि भाई ये सस्पेंस के लिए देखने के लिए एटलीस्ट थिएटर जा सकते हैं, इस सस्पेंस को जानने के लिए थिएटर जा सकते हैं, और पब्लिक में ऑलरेडी सालार का जो वो क्रेज बहुत ही है। अब बात करते हैं सालार और केजीएफ के बारे में। देखिए जिस तरीके से केजीएफ का ट्रेलर था, टीजर था, या फिर उसके जो वॉइस थी, बैकग्राउंड वॉइस था, वो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा मिसिंग लगा। उतना ज्यादा मतलब ऐसा दिमाग पे हिट नहीं कर पाया जितना कि केजीएफ चैप्टर 1 और केजीएफ चैप्टर 2 का जो टीजर था उसका जो बैकग्राउंड वॉइस था जो कि दिमाग को हिट किया था, उतना यहाँ पे ये हिट नहीं कर पाया, तो वहां पे मुझे थोड़ा सा कमी लगी। फिल्म का आधे से ज्यादा सीन जो वो ब्लैक शेड में है, कोई नहीं हमें थिएटर में तो अच्छा दिखेगा। लेकिन अगर ओवरऑल फिल्म की कहानी के बारे में बात करें तो फिल्म की कहानी काफी जबरदस्त लग रही है। प्रशांत नील का प्रोडक्शन है, डायरेक्शन है, कहानी है, तो यहाँ पे भाई पूरा भरोसा कर सकते हैं। अब ये फिल्म के साथ साथ डंकी भी रिलीज हो रही है। अब डंकी और इन दोनों में कौन ज्यादा हाइप क्रिएट करता है और कौन ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्रिएट करता है, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों आपने सालार का ये रिलीज ट्रेलर देखा तो आपको कैसा लगा ये भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।